हर वर्ष एक सप्ताह जो है वो वित्तीय साक्षरता सप्ताह फाइनेंशियल लिटरेसी वीक के तौर पर मनाता आ रहा है। उसका उद्देश्य ये है कि जो हम लोग वर्ष भर इसकी तरफ जो कोशिश करते हैं उस पर एक समग्र फोकस ग्रुप से एक अभियान के तहत इसको और लोगों तक पहुँचाए, जन जन तक पहुँचाए। और इस बार जो हर वर्ष हम लोग एक थीम चुनते हैं, इस बार है का थीम है करो सही शुरुआत बनो वित्तीय स्मार्ट। और इसके सब थीम्स जो हैं तीन फोकस एरियाज हैं। पहला है बचत और कंपाउंडिंग की शक्ति, दूसरा है छात्रों के लिए बैंकिंग आवश्यकताएं, और तीसरा है डिजिटल और साइबर स्वच्छता मतलब हाइजीन। तो ये तीनों का उद्देश्य आप जैसे जानते हैं बचत की आदत लोगों में पैदा करना, जागरूकता पैदा करना, और उनको ये बताना कि कंपाउंडिंग यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसके ज़रिए छोटी छोटी बचत और छोटे छोटे निवेश भी आगे चलकर एक महत्वपूर्ण आकार ले सकते हैं जो लोगों की वित्तीय सुविधाओं में और वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने में सहयोग दे सकते हैं। और छात्रों के लिए बैंकिंग आवश्यकताओं पर जोर इसलिए है कि खासकर जैसा जिक्र अभी हुआ कि छात्र जो हैं उनके बैंकिंग खाते कैसे खुलें, और ताकि आप जानते हैं कई छात्रों को स्कॉलरशिप या फीस के लिए खातों की ज़रूरत पड़ती है, फिर 4 लाख तक का उनका जो एजुकेशन लोन है जो शिक्षा ऋण है वो बिना किसी कोलैटरल के बिना किसी मॉर्गेज के उनको मिल सकता है। तो इस बारे में जागरूकता कई छात्रों में भी नहीं है, तो ये जागरूकता उन तक पहुँचे। और डिजिटल और साइबर हाइजीन जो होता है, डिजिटल और साइबर स्वच्छता, क्योंकि डिजिटल ने लोगों की सुविधाएं इतनी बढ़ाई है और आज आप देखते होंगे कि बिल्कुल छोटे छोटे स्तर पर सब्जी वाले से लेकर छोटे दुकानदार सब डिजिटल पेमेंट का मोड उपयोग करते हैं, लेकिन जब भी तकनीक सहयोगी होती है आगे बढ़ती है तो उसमें सावधानी और सजगता की भी ज़रूरत होती है। तो ये सब थीम जो है डिजिटल और साइबर हाइजीन जो है इसके ज़रिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सी सावधानियाँ इसमें बरतनी है, जो बुनियादी सावधानियाँ हैं जिनके ज़रिए आप डिजिटल और साइबर जो तकनीक है उसके ज़रिए सुविधाएँ तो प्राप्त कर सकें लेकिन किसी धोखाधड़ी का शिकार ना हों, तो इस पे भी जोर है। तो ये तीन सब एरियाज हैं, सब थीम्स जिसको आप कह सकते हैं, और ये सप्ताह आज से शुरू होगा और 1 मार्च तक मनाया जाएगा। और हमने अपने प्रदेश में झारखंड में हर स्तर पर जितने भी साधन हैं लोगों तक पहुंचने का सबका उपयोग करके ये कोशिश की है कि ये संदेश और ये अभियान के जो सूत्र हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, सब तक पहुँचने की कोशिश है। और इसमें हम लोग वाकथन भी कर रहे हैं, हम लोग नुक्कड़ नाटकों का भी प्रयोग करेंगे, संदेशों को हमने जितने महत्वपूर्ण जगहें हैं रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट है उन सब जगह प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। हम लोग इस दौरान सभी 24 ज़िलों में कई कैंप्स आयोजित करेंगे और विभिन्न स्कूलों तक जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को कवर करने की कोशिश है। एक डिस्प्ले वैन भी हम लोगों ने किया है ताकि वो पूरे इस सप्ताह भर रांची और आसपास के क्षेत्र में घूम घूम कर ये प्रसारित करे संदेश। और हम लोगों ने कोशिश की है कि क्विज के जरिए ताकि ये लोगों के लिए छात्रों के लिए विशेष तौर पर रुचिकर हो और प्रश्नोत्तरी के जरिए वो चीज़ें तक पहुँचे, तो दिलचस्प ढंग से उसको लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। इन सारे जरियों माध्यमों के जरिए हमने कोशिश की है कि संदेश सब तक पहुँचे, और पूरे ये निरंतर एक प्रयास है, ऐसा नहीं कि ये एक सप्ताह है, लेकिन ये सप्ताह एक तरह से शिखर होता है, उत्कर्ष होता है, सारे प्रयासों का कन्वेंशन होता है। और उस अभियान के तहत हम लोग जन जन तक घर घर तक ये संदेश पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को वित्तीय सुविधाओं का उपयोग करने के बारे में जागरूकता हो और उनसे संबंधित सावधानियाँ भी बरत सकें। ठीक है।